नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में डिजाइन टाइप के अंतर्गत पेज बैकग्राउंड को कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, डिजाइन टाइप पर आएंगे और डिजाइन टाइप में यहाँ पर दिया हुआ है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में यहाँ तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। सबसे पहले हम देखते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है? तो बेसिकली वाटरमार्क होता है कि जो भी हमारा ये वर्ड में कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट के पीछे जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है उस टेक्स्ट को हम बोलते हैं वाटरमार्क। इससे वाटरमार्क लगाने से हमारे कंटेंट पर कहीं भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के हम बोले तो एक टाइप से प्राइवेसी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो आप देखते होंगे एग्ज़ाम पेपर के बीचों बीच क्वेश्चन पेपर में जो भी वर्ड ऑर्गेनाइज करा रहा होता है उनका लोगो या उनके बोर्ड का नाम उस एग्ज़ाम पेपर में पीछे लिखा हुआ रहता है। या हम बोलें कि हमारे जो 10th 12th की मार्कशीट होती है तो मार्कशीट में नंबर्स के पीछे साइड बिहाइंड में हमको हमारे जो यूनिवर्सिटी है या जो भी बोर्ड है उसका लोगो दिखाई देता है। इसी तरीके से हम भी अपने डॉक्यूमेंट में कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारा ये डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है या हमें इसको किसी को कॉपी नहीं कराना है, तो हम यहाँ पर चलते हैं वाटरमार्क पर और देखते हैं कि कैसे हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। वाटरमार्क पर हमने क्लिक किया तो यहाँ देखिए ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है या डू नॉट कॉपी ऐसा है लिखा करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ देखें हम वाटरमार्क भी दो ही तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, या तो हम ऐसा डायगोनली अप्लाई कर पाएंगे या फिर हम ऐसा हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर पाएंगे। मान लीजिए मुझे इसे डायगोनली अप्लाई करना है तो मैंने इसे कॉन्फिडेंशियल को क्लिक कर दिया। तो देखिए जैसे ही हमने कॉन्फिडेंशियल को क्लिक किया ये हमारे डॉक्यूमेंट में पीछे साइड ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ दिखेगा और ये जो है ये हमारे सारे पेजेस में लिखा हुआ दिखेगा। देखिए ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ दिख रहा है और ये थोड़ा सा लाइट होता है, यदि हमको इसे डार्क करना है या मुझे कुछ और इसमें चेंज करना है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैंने सपोज ये कर दिया, अप्लाई किया, क्लोज। तो ये देखिए ये कॉन्फिडेंशियल हमारा ये कलरफुल में दिखने लगा और थोड़ा सा डार्क दिखने लगा। अब जैसे कॉन्फिडेंशियल और डू नॉट कॉपी ये दो चीज़ तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें अपना नाम उसमें लिखना है। यदि ये डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है हम अपना नाम लिखना चाहते हैं या हमें अपने ऑफिस का नाम लिखना है तो हम वो भी इसमें लिख सकते हैं। तो उसे करने के लिए वाटरमार्क में यहाँ पर नीचे देख के एक ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम वाटरमार्क। हम कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नो वाटरमार्क हम कर देंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी वाटरमार्क दिखाई नहीं देगा। और यहाँ आप यदि अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने ऑफिस का लोगो लगाना चाहते हैं या कोई भी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप पिक्चर वाटरमार्क पर सेलेक्ट पिक्चर आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी वो सेव होगी आप उसे सिलेक्ट करके वो लोगो या पिक्चर भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश में ही लिखना है। टेक्स्ट में लिखा है ASAP, एज सून एज पॉसिबल। अब यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं ईदक्ष, हमारे ऑफिस का नाम मान लीजिए मैंने लिखा ईदक्ष, मैं ईदक्ष लिखना चाहती हूँ। आप यहाँ से फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर यहाँ से देना हो, सेमी ट्रांसपेरेंट
ये आप कर सकते हैं, डायगोनली हॉरिजॉन्टली जैसा आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो देखिए अब आपको ये कॉन्फिडेंशियल की जगह ई दक्ष दिखने लगा। और ये भी जो वाटर मार्क है, आपके जितने भी इस डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ पेजेस होंगे सभी में एक बार में ही आ जाता है। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क को लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें पेज कलर। पेज कलर मतलब ये हमारा बाय डिफॉल्ट वाइट कलर होता है, मुझे कोई और पेज का कलर चाहिए, ये देखिए। तो इस तरीके से हम पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ तो ये वन कलर ही का ही पेज दिख रहा है, यदि हम मोर देन वन कलर यूज़ करना चाहें तो पेज कलर पर ही जाएंगे और यहाँ मोर कलर्स पर जाएंगे। तो मोर कलर्स में आप यहाँ से कोई और कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शन है एक फिल इफ़ेक्ट्स, फिल इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये टू कलर्स हैं, तो टू कलर्स में आप वन कलर हो गया ये जो ब्लू है और एक है ये वाइट। यदि हम इसकी जगह कोई और कलर लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने ये डार्क शेड में लिया ये, अब आप भी इसके यहाँ पर ये बहुत सारी स्टाइल्स दी गई हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल, और जो आप अप्लाई करना चाहें आप इस यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके ये इस तरीके से ये पेज में कलर आप दे सकते हैं। आप जितना क्रिएटिव जितना ब्यूटीफुल इसे बना सकते हैं आप बना सकते हैं। वापस से हम पेज कलर पर जाते हैं, फिल इफेक्ट्स में जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ से टेक्सचर भी दे सकते हैं, ये देखिए ये बहुत सारे टेक्सचर दिए गए हैं। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये देखिए इस तरीके से ये टेक्सचर हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, कोई आप पैटर्न लगाना चाहें तो ये पैटर्न दिख जाएगा, कोई पिक्चर लगाना चाहें, इमेज लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। पैटर्न मान लीजिए ये लिया, ओके किया, तो ये देखिए इस तरीके से आपका पैटर्न हो गया। तो यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे, आप जैसा लगाना चाहें आप उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने पेज कलर को अप्लाई किया। नेक्स्ट है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर मतलब आपको चारों तरफ अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर देनी है। पेज बॉर्डर पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए नन सेलेक्ट है, तो मतलब चारों तरफ कोई बॉर्डर नहीं है, बॉक्स चारों तरफ देनी है। हमने ये बॉर्डर इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर देखिए ये आपको लाइनिंग, सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन, डैश्ड लाइन, फिर नीचे आएंगे डबल लाइन, आपको जिस भी टाइप का चाहिए हो आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए आपके पूरे होल डॉक्यूमेंट्स में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। तो ये तो हमारी लाइन बॉर्डर अप्लाई हुई। आप चाहते हैं कि आपको कुछ आर्टिस्टिक वे में बॉर्डर को अप्लाई करना है तो यहाँ पेज बॉर्डर पर ही जाएंगे। नीचे देखिए ये दिया हुआ है आर्ट, आप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नीचे बहुत सारी स्टाइल्स दी गई होंगी। आपको जो भी स्टाइल अच्छी लग रही हो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ से विड्थ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कितनी विड्थ रखनी है, कलर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जिस भी कलर के देना हो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी ये आर्टिस्टिक बॉर्डर अप्लाई हो गई। आशा करते हैं कि आपको डिजाइन टैब के अंतर्गत पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर समझ आ गया होगा और ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।